हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वारसी बर्ड टेक्निकल खान में। दोस्तों, अगर आपको सही राह है पाना तो वारसी बर्ड टेक्निकल खान को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले होंगे, आपने थंबनेल और टाइटल को देख के तो अंदाजा लगा लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो बड़े क्रिएटर, दो बड़े यूट्यूबर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अपने स्टार्टिंग समय पर दोनों के सब्सक्राइबर बेस और व्यूज और जितना अर्निंग होता सबका बराबर ही होता था, मगर आज दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और तो वीडियो पर बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी देख रहे होंगे कि ये मनोज डे, मनोज डे को आज कौन नहीं जानता है, ऐसा ही कोई होगा जो मनोज डे को नहीं जानता होगा। दोस्तों, मनोज डे की अंदर ही जो खासियत है वो आप सभी को मैं अभी बताने वाला हूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये डिपटेक, ये और ये मनोज डे जो है, दोनों का यूट्यूब चैनल एक साथ ही खुला था, आगे पीछे खुला था, कुछ दिन का ही वो होगा, ठीक है। तो इन दोनों का स्टार्टिंग में व्यूज जो था, सब्सक्राइबर जो था, सब बराबर ही था। आप देख सकते हो कि दोनों का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ, आप देख लीजिए कि किसका कितना है। और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि अब कौन कितना एक्टिव रहता है। मनोज डे है जो कि डेली वीडियो को अपलोड करते हैं, तभी उनका जो है सब्सक्राइबर बेस इतना बना हुआ है। और ये डिपटेक है कि ये जो है दो महीने में, एक महीने में कहीं एक वीडियो लेके आते थे। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बताया कि टेक चैनल में क्या रहता है, अगर आपको एक टेक चैनल है तो आपको डेली एक वीडियो लानी है, एक नहीं तो डेली, अगर एक नहीं ला सकते हो तो दो दिन में एक वीडियो तो लानी है। तो मनोज डे को आप सभी जानते हैं कि मनोज डे कितनी मेहनत, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मेहनत करते हैं। मनोज डे पहले भी इतना ही मेहनत करते थे जितना आज करते हैं। दोस्तों मनोज डे आज कहाँ पहुंच गए, मनोज डे जमीन से आसमान में पहुंचने में उनको टाइम नहीं लगा। और एक डिप जीत है जो कि बराबर ही इनके सब्सक्राइबर थे, और ये आज मनोज डे से कम 1 मिलियन सब्सक्राइबर नीचे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक यही है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, अगर आप वहाँ पे एक्टिव रहोगे तभी लोग आपके बारे में जानेंगे। और आपको यूट्यूब के बारे में तो पता ही है कि अगर आप एक यूट्यूबर हो और आप सबका वीडियो देखते हो, सारे क्रिएटर का, अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किए होगे फिर भी आपको वो वीडियो रिकमेंड होगा। अगर वो क्रिएटर अपना वीडियो अपलोड करेगा तो आपको रिकमेंड होगा अगर आप उसका वीडियो लगातार देखते हो। तो अगर दोस्तों आपको वही बात है कि अगर आप दो दो महीना वीडियो अपलोड नहीं करोगे तो यूट्यूब के सजेशन में आपका वीडियो कहाँ से आएगा। आप दो महीने में और भी दूसरा वीडियो देखोगे तो उस क्रिएटर का वीडियो तो मिलेगा नहीं आपको। फॉर एग्जांपल, मैं मनोज डे को सब्सक्राइब नहीं किया हूँ भाई, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं कि मनोज डे को मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है, पर मैं मनोज डे का जितना भी वीडियो होता है हर एक वीडियो को देखता हूँ, फुल वॉच टाइम देखता हूँ उसको। तो मनोज डे को मैं सब्सक्राइब नहीं किया हूँ और वो अगला वीडियो डालते हैं तो मुझे रिकमेंड होके मेरे पास नोटिफिकेशन भी उसका आता है और मैं उसको पूरा देख भी लेता हूँ। और तो संदीप जी को भी मैंने सब्सक्राइब किया था और वो जब उनका वीडियो लगातार नहीं आ रहा है तो मैंने दूसरे यूट्यूबर का वीडियो देखना चालू कर दिया, जैसे कि आप सर्च कर लिए टेक्निकल बुखार, मैं इनका भी वीडियो बहुत देखता हूँ और इनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। तो मैं अब इनका वीडियो देखने लगा, मनोज डे का वीडियो देखता हूँ, तो मैं एक महीने से दो महीने से इनका वीडियो नहीं आ रहा है तो मैं दूसरों का वीडियो देखने लगा, तो अब सजेशन में इनका वीडियो मेरे पास नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अगर जितना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहोगे तभी आपका व्यूज और सब्सक्राइबर बेस बढ़ने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप नए क्रिएटर हो तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपको एक दिन में एक वीडियो तो हर हाल में डालना ही, नए क्रिएटर हो तो। और अगर आप नहीं डाल पाते हो तो दो दिन में एक वीडियो हर हाल में आपको डालना है। मैं खुद ही नहीं डाल पाता हूँ दोस्तों, मैं भी काम पे जाता हूँ, काम करता हूँ, 11 घंटा ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद आता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, एडिट करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ, मैं भी नहीं डाल पाता हूँ, दो दिन में एक वीडियो डालता हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो।